एक पेट्रोल पंप मालिक से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में वांछित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक एनपी रोडगे ने सोमवार को विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद आरोपी जीएम को 31 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया। इस बीच आरोपी जीएम को मदद करने के आरोप में सीबीआई ने एडवोकेट राकेश द्विवेदी से सीबीआई दफ्तर में कड़ी पूछताछ की। सीबीआई ने गोंदिया जिले के एक पेट्रोल पंप मालिक से पंप की ओनरशिप ट्रांसफर करने के बदले में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए IOCL के चीफ मैनेजर मनीष नांदले को गिरफ्तार किया था। उसने जीएम के कहने पर यह रिश्वत ली थी। कार्रवाई की भनक लगने के बाद आरोपी जीएम भूमिगत हो गया था। सीबीआई 3 दिन तक उसे ढूंढती रही। जबलपुर, नागपुर और अमरावती में दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। इस दौरान आरोपी रोडगे वकील राकेश द्विवेदी के संपर्क में होने की जानकारी सीबीआई तक पहुंची। वकील द्विवेदी IOCL के पैनल पर है। IOCL को कानूनी सलाह देने और कानूनी मामले देखने का काम करते हैं। सोमवार को आरोपी रोडगे ने विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां आरोपी को न्यायिक हिरासत देते हुए सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा, जिसने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए 7 दिन के PCR की मांग की। विशेष कोर्ट ने आरोपी को 31 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। आरोपी रोडगे के 3 बैंक लॉकरों को मंगलवार को खोला गया। नांदले और रोडगे दोनों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।